हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी टाइम हो रहा है आपको अपडेट देने का वियतनाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और कैसे आप जा सकते हैं। तो वियतनाम ट्रिप बहुत ही इजी है और बहुत से इंडियंस बहुत से मेजर मेजर लोकेशन जैसे कि बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको मिलेगी वियतनाम के लिए। और मेजरली जो वियतनाम है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। नॉर्थ वियतनाम जो कि आपको मिलेगा हनोई, सेंट्रल वियतनाम जो कि है दनांग, और साउथ वियतनाम जो कि है होचीमिन सिटी। तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम में जनरली डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी। दिल्ली से मिल जाएगी साउथ वियतनाम के लिए होचीमिन सिटी, और आपको नॉर्थ के लिए मिल जाएगी कोलकाता से डायरेक्ट हनोई। बट हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू लखनऊ, तो वहाँ पे कुछ दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे गणेश फेस्टिवल, और उसके बाद में हमारी जो फ्लाइट है वो है 15 की रात को। तो हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से बैंकॉक, फिर बैंकॉक में हमारा हॉल्ट है, फिर वहां से हम लोग जाएंगे दनांग। तो इसमें हमारा ये होगा कि एक साइड का जो जर्नी होता है इंटरनल वो हमारी बच जाएगी। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो नॉर्थ से साउथ आप ट्रैवल करो या साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करो, और हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं सेंट्रल वियतनाम से नॉर्थ वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट बैंगलोर आ जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ई वीज़ा, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे नहीं है। तो ये नहीं कि आप वहाँ पे जाओ तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हाँ, ये इंस्टेंट नहीं है कि आप इमिडिएटली अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा, 2 से 5 दिन के अंदर पे आपको मिलता है। तो हमें ऑलमोस्ट 3 डेज के अंदर मिला है वीज़ा। उसमें बहुत ही इजी है, मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ, कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि कैसे। ये इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप लॉगिन कर लीजिए। वेबसाइट में आप देखिएगा, बेसिक डिटेल्स आपको पूछेगा कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप उसको स्कैन कर लीजिए या फोटो ले लीजिए, उसको अपलोड करिए। और उसमें स्पेसिमेन फोटो दिखा रहा है कि इस तरह की फोटो ही एक्सेप्टेबल है, तो उसी तरह आप फोटोज अपलोड करिए। उसके बाद में आपका जो वैलिड पासपोर्ट है जो कि 6 महीने का वैलिडिटी अभी जिसकी बची है, तो और कम से कम 2-3 पन्ने बचे हों, तो वो पर्टिकुलरली जो पासपोर्ट है वैलिड पासपोर्ट कहा जाता है, माना जाता है एज पर दी रूल। तो उसको आप क्या करना है, उसको जहाँ पे बायो आपका इंफॉर्मेशन है, जब क्या फोटो है, पासपोर्ट का नंबर है, एक्सपायरी डेट है, इश्यूएंस लोकेशन है, प्लेस है, उसका आप फोटो लेके उसको आप अपलोड डायरेक्टली कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा नाम क्या है, नेम, गिवन नेम। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट नेम इंडिया में, तो वहाँ पे बोलते हैं गिवन नेम, तो जो भी आपका दिया हुआ नाम, तो गिवन नेम, तो मेरा जैसे अपूर्व हो गया, महंतो हो गया सर टाइटल जो है, तो वहाँ पे गिवन नेम की जगह अपूर्व फर्स्ट नेम एंड दिस टाइटल विल बी महंतो। उसके बाद में क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इश्यूएंस, तो प्लेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट जहाँ से इशू हुआ है पासपोर्ट में ही लिखा रहता है। तो जैसे मेरा अभी बैंगलोर में रिन्यू हुआ है तो मैंने बैंगलोर लिखा है, बट इनिशियली इशू हुआ था एमपी में, तो जो करंट पासपोर्ट में इशू है डेट वो आप लिख दीजिए, जो भी लोकेशन दिया हुआ है प्लेस वो लिख दीजिए। अभी इसमें एक और कैच है, इसमें कैच ये है कि इसमें पूछता है कि इंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, दैट इज अराइवल एंड डिपार्चर पॉइंट। तो अराइवल की जगह में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ वियतनाम पहुँच रहे हैं, आप हनोई लिख दीजिए। बट हनोई में भी देखिए 2 चीज़ होती हैं, हनोई एयरपोर्ट है या हनोई सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब जहाज का जो पोर्ट रहता है, बंदर का। तो हम लोग तो हमेशा एयरपोर्ट से ही जाते हैं एज ए इंडियन, अगर कोई समुद्र से जा रहा है तो सी पोर्ट डालेगा, लेकिन उसमें ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। दूसरा क्या चीज़ है, अब जैसे मेरे एग्जाम्पल के लिए मैं दनांग जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री कहाँ पे हो रही, तो मेरा सिंगल एंट्री है तो मेरा होगा दनांग एयरपोर्ट, तो वो दनांग एयरपोर्ट हो गया। और मेरा एग्जिट कहाँ होगा, जो डिपार्चर ऑफ पोर्ट है वो होगा हनोई एयरपोर्ट। तो इस तरह हो जाता है, और हनोई को नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है, और जो कि कैपिटल सिटी भी है वियतनाम की। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर लीजिए। उसके बाद आपको एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जैसे मेरा जो ट्रैवल स्टार्ट होगा 15th को, तो मैंने क्या किया है,
मैंने 15 का वीजा नहीं अप्लाई किया है, मैंने 10 तारीख का वीजा अप्लाई किया है, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर का 30 डेज का वीजा अप्रूवल होता है, तो 10 से 10 का अप्लाई कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, इसके बीच में ऑलरेडी मेरा अप्रूव्ड है, मुझे बेनिफिट मिलेगा। सेकंड क्या है कि आप जैसे इंटरनल फ्लाइट के लिए मैंने बताया था, तो मैंने इंटरनल फ्लाइट के लिए वियतनाम एयरलाइंस का लिया था, जो कि मेरा सेंट्रल वियतनाम दनांग से नॉर्थ वियतनाम के लिए है, और हमने स्टे वगैरह जो बुक किया वो बुक किया है अगोडा से, तो अगोडा बहुत अच्छा मतलब ऑफर है, और एक से एक मतलब इंडिया में जैसे 4-5 स्टार होटल होते हैं ना, वो 1700-1500 ऐसे रेट में वो मिल रहे हैं, और वैसे भी तो हम लोग ट्रिप करेंगे तो आपको दिखाएंगे डेली व्लॉग में कैसा है, तो ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ, वो आप देखोगे भी, क्योंकि हम लोग बहुत पर्टिकुलरली चूज करते हैं कोई पर्टिकुलरली मतलब स्टे वगैरह बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लग्जीरियस होना चाहिए, फिर ही बुक करते हैं। तो वियतनाम में तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे आप अगर वाइजली चूज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आई रिकमेंड अगोडा फॉर दिस, और मैंने पूरा ही बुकिंग अगोडा से ही किया है, तो ये मतलब मेरा खुद का सेविंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे बुक करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल मैप ओपन करो लैपटॉप या कंप्यूटर में, मैं यही करता हूँ, और जैसे मुझे कुछ किसी लेक के पास में जैसे चाहिए होटल, तो मैं वहाँ पे सर्च कर देता हूँ जूम करके कि पर्टिकुलरली लोकेशन में ये कौन सा होटल हो सकता है। मान लीजिए बीच है, तो मुझे ऐसा नहीं कि बहुत दूर में मैं मतलब होटल ले रहा हूँ, तो मुझे 1-2 किलोमीटर वॉक करके जाना है, तो बहुत ही हेक्टिक होता है आना जाना, तो बीच साइड भी चाहिए और थोड़ा चीप भी चाहिए, तो आप ऑनलाइन ना जाके मैप में जाइए, मैप में जाके आप चेक करोगे तो आपको होटल्स दिख जाता है, उसके बारे में आप 1-2 ऑनलाइन पे चेक कर लो, रिव्यू कर लो। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं चाहते ये सब हैजल, आप मेरा चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको मतलब हम लोग दिखा रहे हैं आपको तो आप पता ही चलता रहेगा डेली बेसिस में, तो आप उसको सेम टू सेम आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी था, और हमारी आइटनरी है 11 डेज की बेसिकली, क्योंकि 1-2 दिन तो आपको ट्रैवल में ही चला जाता है, तो मैंने क्या किया कि दानांग हम लोग लैंड कर रहे हैं, और दानांग के पास है एक लोकेशन होई एन, होई एन इज वेरी मैजिकल, आपने देखा होगा वो लाल टेंस वगैरह बहुत चला रहता है, जस्ट लाइक दिवाली हो रही है वियतनाम में। पर्टिकुलरली हमने चूज इसलिए किया कि जिस दिन हम लोग पहुंच रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल भी हो रहा है, तो और ग्रैंड दिखेगा, और उस दिन मेरा बर्थडे है तो हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे 2 दिन स्टे कर रहे हैं, और उसके बाद में दनांग जहाँ पे है जस्ट 30 मिनट्स वहीं से पास में है, वहाँ पे हम 3 दिन स्टे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गोल्डन ब्रिज और भी एक्टिविटीज करने वाले हैं, बीच है वहाँ पे, एंड वो बीच बहुत ही मस्त है, इंटरनेशनली टॉप 10 में वो रिकॉग्नाइज्ड बीच है, दनांग का माइके बीच, दैट इज ऑसम। और कुछ हमारे फ्रेंड्स है जो कंटेंट क्रिएटर है, फॉरेनर्स है, USA, फ्रांस से और अदर कंट्रीज से, तो वो भी हमें मिलेंगे वहाँ पे। तो ये था प्लान। उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं हनोई, हनोई में 1 दिन पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनेस्को वर्ल्ड फेमस हालोंग बे में, तो उसका क्रूज बहुत ही लग्जरी है और बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि वैसे में तो आप अगर इंडिया का देखोगे तो क्रूज में अच्छा खासा मतलब लैक्स रुपीस इन अ डे आपको लग जाता है, बट वही चीज आप फ्रैक्शनल ऑफ मनी आप इंजॉय कर सकते हो, तो वो भी एक्सपीरियंस हम लोग आपको देंगे एडिशनली टू दिस। फिर हम लोग हनोई आएंगे और वहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे, तो ऐसा मैंने प्लान किया है ना कि हमें अच्छा खासा टाइम भी मिले, रेस्ट भी करे, और हमारा डे भी खराब ना हो, कि अगर हम लोग रात में पहुंच रहे हैं तो दूसरा दिन मिल जा रहा है, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर कर दे रहे हैं और जा रहे हैं सेकेंड डे में, तो वो भी हमें मिल जा रहा है। तो ऐसा मतलब पूरा मेरा प्लानिंग है, क्योंकि आप तो हमारा प्लानिंग देख ही चुके हो कि कैसे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, और अगर आप वियतनाम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी प्लेसेस और एक्सप्लोर कर ले नॉर्थ एंड सेंट्रल वियतनाम से रिलेटेड। साउथ हम लोग अभी इसलिए नहीं कर रहे कि टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास है, और अभी जो है मॉनसून ज्यादा होता है साउथ में सितंबर स्टार्टिंग और मिड में, तो इसीलिए हम लोग वो अवॉइड कर रहे हैं, बट फ्यूचर में फिर हम लोग का प्लान है कि हो ची मिन्ह और फुकॉक जो वहाँ पे आइलैंड्स है वो सब एक्सप्लोर करेंगे, तो एक नेक्स्ट पार्ट में वो रहेगा। तो आई होप आपको ये जो व्लॉग है अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हो ट्रिप के बारे में तो आप बता सकते हो, हमारा डेली व्लॉग्स आता रहेगा, तो आपसे कनेक्टिविटी और जो हमारा कनेक्ट है वो तो रहेगा ही, और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय।